नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से शोन इन द फिगर इज अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म वन मीटर लॉन्ग रॉड ए बी हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजिशन बाय टू स्ट्रिंग टाइड टू इट्स एंड एंड अटैच टू द सीलिंग द रॉड इज ऑफ मास एम एंड हैज एंड हैज़ अनदर वेट ऑफ मास टू एम हंग एट अ डिस्टेंस ऑफ सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम ए टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बताना है हमें क्या होगा नाउ जनरल इक्विलिब्रियम का सवाल है तो पहले सिचुएशन समझते हैं कि यह आपकी रॉड उस रॉड को आपने ये जो रॉड है उस रॉड का जिसका मास एम है सेंटर मास से इसका मास हम एम ऐसे बना सकते हैं तो इस ए पॉइंट से ऐसे और बी पॉइंट से ऐसे आपने इसको यहाँ पे बांधा है और यहाँ पे आपने उसके बाद हंग कर दिया एक और मास टू एम राइट right. अब हमें बताना है कि यहाँ पे इस रस्सी में टी ए वो कितनी होएगी इसकी वैल्यू हमें बतानी है तो सिंपल सवाल है तो सबसे पहले यहाँ पे अगेन ज़रूरत नहीं है बट अगर हम लिखें इस सवाल में ज़रूरत नहीं है एफ नट इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं टी ए प्लस टी बी राइट एफ नट इक्ल टू ज़ीरो लिखेंगे सो टी ए प्लस टी बी टी ए प्लस टी बी विल बी इक्वल टू थ्री एम जी सो अगर सिस्टम को देखेंगे ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं आपके टी ए और टी बी और नीचे आपका थ्री एम लग रहा है तो पहली इक्वेशन तो ये बन जाएगी दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क की अब क्योंकि हमें सिर्फ ये वैल्यू बतानी है तो हम टॉक किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं सो हम टॉर्क लिखेंगे इस वाले पॉइंट के अबाउट तो उसका रिय फायदा ये है कि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो हमें टीबी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी उसकी वजह से जो, जो टॉर्क लग रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है हालांकि डेटा अगर देखेंगे टोटल हंड्रेड सेंटीमीटर है ये वाला आपका सेवेंटी सेंटीमीटर है सो so, ये आपका फिफ्टी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हालांकि सो right? so, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो टी ए का टॉर्क टी अबाउट बी विल बी इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज इसका टॉर्क आपका ऊपर लग रहा है और लेटर से इस डायरेक्शन को अगर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कहा है तो ये होएगा टी ए मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड माइनस इसका टॉर्क इधर लगेगा एम जी मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी इसको हम सेंटीमीटर uh, में लिख रहे हैं uh, उसको मीटर में कन्वर्ट करके भी सेम ही बात आएगी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे और ये यह यहाँ से ये यह वाला आपका 25 सेंटीमीटर बचा माइनस टू एम जी मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव दिस विल बी इक्वल टू जीरो विच एम्प्लाइज आपका टी ए uh, आपका बचा मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड माइनस यह आपका एम फिफ्टी एम जी इसको उधर ले आते हैं विल बी इक्वल टू फिफ्टी एम जी प्लस ये बचेगा फिफ्टी एम जी एड करके बचा आपका हंड्रेड एम जी विच एम्प्लाईज आपका टी ए जो आ गया एम जी के बराबर आ जाएगा ठीक है सो विच मीन्स आपका ऑप्शन नंबर फोर वन एम जी वुड बी द राइट आंसर